अब मेटल सेक्टर पर बात करते हैं। मेटल सेक्टर के लिए कई सारे पॉजिटिव्स तो हैं ही और शाइन लगातार बढ़ती जा रही है। चाइना रीओपनिंग का बेनिफिशियरी है, हम देख रहे हैं डिमांड, इंफ्रा डिमांड भी बढ़ रही है और ताज़ा खबर है कि शार्प अपटिक है स्टील हॉट रोल कोल्ड प्राइसेस में। मेटल में कहाँ कौन से शेयरों पर आपकी नजर है? देखिए, मैं फंडामेंटल्स के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, पर ये जो स्ट्रक्चर है बाजार का, ये जो नेचर है मार्केट्स का, ये भाव आज जो बन गए, जिस तरह की बेतहाशा रैली स्टील स्टॉक्स में हो गई, खासकर जिंदल ग्रुप स्टॉक्स में, तो इस माहौल को जस्टिफाई करने के लिए ऑलरेडी भाव बन चुके हैं। हम स्टील के सारे स्टॉक्स में सेल सिग्नल के इंतजार में हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इनको आप कल ही बेच दीजिए, हमें लेना नहीं, जो होना था हमें लगता है बेस्ट से बेस्ट हो चुका है। जब सेल का सिग्नल आ जाएगा तो हम बेचेंगे। बाकी के बजे वेदांता में बहुत ज्यादा नॉइज है, बाकी मेटल्स में और आपका हिंडाल को भी थोड़ा सा नॉइजीली रिसड़ रहा है ऊपर। मेटल्स में इस वक्त जो हमें चार्ट कंफर्टेबल लगती है, एनएमडीसी की चार्ट को छोड़कर, वो भी ट्रेडिंग नहीं, आप 4-6 महीने के व्यू से उसे पकड़ के बैठिए। और बाकी मुझे लगता है मेटल सेक्टर बस इंतजार कर रहा है कि अच्छी खबरों और अच्छे माहौल के बाद अचानक से ऐसा क्या आएगा कि ये मेटल सेक्टर बहुत बड़ा करेक्शन दे सकते हैं, मेटल सेक्टर के जितने स्टील के स्टॉक्स हैं।